الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ کئی جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے مانگا ہے
और जिस तरह से मांगने का अंदाज, मांगने के अल्फाज हमें सिखाए हैं, हमें अपनी दुआओं में, अपनी मुनाजात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं को शामिल रखना चाहिए और इन दुआओं की बरकत से, वसीले से अपनी इल्तिजाएं, अपनी दरख्वास्तें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करनी चाहिए। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए से हमारी दुआएं, हमारी मुनाजात अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत तक पहुंच सकती है। ये महीना रजब का महीना है और रजब के माना है ताजीम के। ये महीना माजी से इस्लाम के पहले भी ताजीम वाले महीनों में शुमार होता है। इस महीने में एक रात है जिसे लैलतुल मेराज कहते हैं। इसमें इख्तिलाफ भी है, बाज ने कहा कि रजब के महीने में हुई या इससे पहले हुई या इससे बाद में हुई, लेकिन अक्सर यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज जिस्मानी का शर्फ हासिल हुआ तो वो इस रजब के महीने में हासिल हुआ। लेकिन इसकी तारीख के अंदर इख्तिलाफ है कि आया वो तारीख 27 रजब है या इसके अलावा कोई और तारीख है, तो तारीख के अंदर तो बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ है। लेकिन ये रजब का महीना हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़िया मेराज को याद दिलाता है और इसी तरह उस मेराज के वाक़िया से जुड़े हुए बहुत से वाक़ियात को भी याद दिलाता है। और ये बात मैं इस पर अर्ज कर रहा हूं कि जब रजब का महीना आता है तो बहुत से लोग 27 रजब को शब मेराज मनाते हैं, इस रात में शब बेदारी का अहतमाम करते हैं और बहुत सी मखसूस इबादात का अहतमाम करते हैं। हालांकि शरीयत ने इस रात में किसी मखसूस इबादत का अहतमाम हमें नहीं बतलाया, न अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास इबादत इस रात में की, न सहाबा ने शब बेदारी का अहतमाम किया और न कोई नमाज या कोई अज़कार ऐसे हैं कि जिसे यूं कहा जाए कि जो इस रात के साथ मखसूस है। तो कोई ऐसे अज़कार या कोई ऐसी नमाज इस रात के साथ मखसूस नहीं है। लेकिन इस रात में जो वाकयात गुजरे हैं और वो वाकयात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर से वापस आने के बाद आपने सहाबा को सुनाए, उन वाकयात के अंदर हमारे लिए नसीहत और इबरत है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे और फिर मस्जिद अक्सा से आपका जो सफर है वो आसमानों की तरफ शुरू हुआ और फिर आसमानों पर आपके उस सफर में अल्लाह ताला का दीदार भी हुआ, आपको बुलंद किया गया, सिदरतुल मुंतहा तक बुलंद किया गया, फिर उससे ऊपर बुलंद किया गया, बैतुल मामूर को आपने देखा, फिर अल्लाह का दीदार आपको हुआ और फिर वहां से वापसी का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पहुंचे तो ये रात का बहुत थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें ये सारा सफर अंजाम पाया। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे भी हुए और आज के जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस बात का इंकार करते हैं कि मेराज तो हो ही नहीं सकती, मेराज किस तरह से हो गई और रात के इस थोड़े से हिस्से के अंदर कि आपका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चले जाना और मस्जिद अक्सा से आसमानों पर चले जाना और फिर अंबिया से मुलाकात का हो जाना, अल्लाह का दीदार कर लेना और जन्नत और दोजख की सैर कर लेना, तो बहुत से जो अकल की कसौटी पर इन चीजों को परखने वाले हैं तो वो इस चीज का इंकार करने लगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। और इसी तरह बाज ने यहां तक कहा
कि इस जमीन के कुर्रे के बाद एक ऐसा कुर्रा है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और अगर इस कुर्रे से कोई बाहर अगर निकल जाए और ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो आदमी की तो मौत वाकई हो जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुर्रे से गुजर कर किस तरह आसमानों पर चले गए और किस तरह आपने आसमानों की सैर की, जन्नत और दोजख की सैर की, तो इसका इनकार कर बैठे। लेकिन याद रखिए कि इंसान अगर अपनी अकल की कसौटी पर सोचता है तो उसे बहुत सी बातें मुहाल नजर आती हैं, इंसान अपने को आजिज समझने लगता है। लेकिन जहां इंसान अपने को आजिज समझता है तो वहीं से अल्लाह ताला की कुदरत शुरू होती है, अल्लाह ताला की कुदरत का जहूर होता है, और अल्लाह बहुत सी ऐसी चीजों को दिखा देता है कि जो इंसान की अकल में आने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो सब चीजें ऐसी हैं कि जिसे अल्लाह अंजाम देने पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात में 10,000 से जायद मौजजात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमार किए गए, और उन मौजजात में जो सबसे बड़ा मौजजा है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, अल्लाह का ये पाक कलाम है कि जो 23 साल के अरसे में बतदरीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से वसीले से इस उम्मत को ये अल्लाह का कुरान मिला, ये आखिरी किताब मिली। फिर कुरान मजीद के बाद जो सबसे बड़ा मौजजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस पर उलमा का इत्तेफाक है कि वो आपका मौजजा शबे मेराज का वाकया है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के थोड़े से हिस्से में बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस तक का सफर किया और वहां से फिर आसमानों का सफर किया। तो ये कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ा मौजजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के 15वें पारे की इब्तिदा में बयान फरमाया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के फरमाते पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहां पर जहां इसके शुरू में अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया, वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया भी अब्दिही, तो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यहां पर न रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, न नबी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, न किसी और कोई अल्फाज लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया गया कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को जाहिर करना हो। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि एक इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई शर्फ नहीं हो सकता कि इंसान चूंकि अल्लाह का अब्द है, अल्लाह का गुलाम है, तो एक इंसान अब्द कामिल बन जाए। इंसान के लिए सबसे बड़ा शर्फ यह है कि वह अब्द कामिल बन जाए। तो यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि यह इतना बड़ा एहसास है कि अल्लाह आपको फरमा रहा है कि अल्लाह ने अपने अब्द कामिल को रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई। और इसी तरह इसकी एक वजह यह भी लिखी है कि यह एक ऐसा मौजजा था जिसमें लोगों के अकीदे के बिगड़ने का अंदेशा था, कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों ने अल्लाह का बेटा बना दिया, तो इसी तरह यहां भी अंदेशा इस बात का था कि लोग ये कहने लगते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द नहीं है बल्कि इलाह है, कि रात के थोड़े से हिस्से में आपने इतना बड़ा सफर तय किया और आप वापस भी आ गए। तो भी अब्दी ही से ये बता दिया कि तमाम कमालात के साथ, तमाम मौजजात के साथ जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, तो इन तमाम खूबियों के साथ, लेकिन ये बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं है, वो माबूद नहीं है, वो इलाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। तो यहां पर भी अब्दी ही का लफ्ज लेकर आए कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीहू मिन आयातिना,
فرماتے ہیں کہ جس کو گھیر رکھا ہے برکت نے, یعنی خطہ ایسا ہے, مسجد حرام ہے, مسجد اقصا ہے, یا فلسطین کا یہ خطہ ہے, یہ ارض انبیاء ہے, تو فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالی نے برکت سے گھیر رکھا ہے, یعنی یہاں پر اللہ کی برکت موجود ہے, نشانیاں موجود ہیں. نشانی یہ بھی ہے کہ اس خطے کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ آئے, یہ ارض انبیاء کہلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو سر سبز و شاداب رکھا ہے, انواع و اقسام کے پھل یہاں پر ہوتے ہیں, تو سر سبز یہ علاقہ ہے, اس لیے فرمایا کہ اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور یہاں پر اللہ نے اپنی نشانیاں بھی رکھی ہیں, من آیاتینا, اللہ کی نشانیاں بھی یہاں پر موجود ہیں. انہ ہو سمیع العلیم, کہ وہی سننے والا ہے, وہی دیکھنے والا ہے. پھر حدیث شریف میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات آتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر رات کو سو رہے تھے اور گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے, اور واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مکان کی چھت کھلی اور جبرائیل امین اس مکان میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے سے بیدار کیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ لے کر آئے. جب بیت اللہ لے کر آئے تو آپ پر نیند کا غلبہ تھا, آپ وہاں حطیم میں جا کر پھر سو گئے. پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو بیدار کیا اور آپ کو بیدار کر کر آب زمزم کے کنویں کے پاس لے کر آئے, اور آب زمزم کے کنویں کے پاس لا کر ایک سونے کا تشت تھا, اس تشت میں آب زمزم تھا. آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور سینے مبارک چاک کرنے کے بعد اس میں سے دل نکالا گیا, اور اس آب زمزم میں جو سونے کے تشت میں تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا. اور یہاں سے علماء نے یہ بات بھی اس کا جواب دیا کہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ آب کوثر سے افضل ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا. اگر اس سے افضل کوئی پانی ہوتا تو آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے وہ لایا جاتا, آب کوثر اگر افضل ہوتا تو آب کوثر لایا جاتا, لیکن آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت تھا, اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں ڈال کر پھر دل کو اندر رکھ کر اور سینے کو بند کر دیا گیا اور سینہ جیسا پہلا تھا ویسے ہی ہو گیا. پھر ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی اور وہ سواری گھوڑے سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے کچھ بڑی تھی اور وہ براق تھا اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے تا حد نگاہ وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا, اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پھر وہاں سے آپ کا مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہوا. اور پھر واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وادی سے آپ کا گزر ہوا, جبرائیل امین نے وہاں پر آپ کو اتارا, وہاں پہ کچھ کھجور کے باغات تھے, آپ سے کہا گیا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیے, آپ نے وہاں پر نماز پڑھی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ یثرب ہے اور یہ آپ کا دار الہجرت ہوگا. پھر وہاں سے آگے چلے تو طور سینا کے مقام پر جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, وہاں پر سواری کو روکا گیا, وہاں پر آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی. اور بعض جگہ آتا ہے کہ بیت اللحم میں نماز پڑھی کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد اقصی پہنچے. اور جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا مجمع آپ کا منتظر تھا, اور وہ مجمع تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی. اور پھر وہاں سے آپ کا جو سفر ہے مسجد اقصی سے, پھر وہ آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا, اور پھر مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی.
और सबसे आखिरी सातवें आसमान पर आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपके जद्द अमजद हैं कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हैं, तो सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर आपको और बुलंद किया गया और एक ऐसा वक्त आया कि जब हजरत जिब्राइल अमीन ने यह कहा कि हुजूर बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब मेरी हज यहां पर खत्म हो जाती है, अगर इससे आगे मैं गया तो बस मैं वहां पर जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, इससे आगे आप जाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आवाज में पुकारा गया कि और करीब आइए, और करीब आइए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आंखों के साथ अल्लाह का दीदार हुआ। अब बहुत से लोग इस बात के भी मुनकिर हैं, वो कहते जी अल्लाह का दीदार इन आंखों से कैसे हो गया, क्योंकि इस आंखों से अल्लाह का दीदार तो कोई नहीं कर सकता। तो बात यह है कि इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया जो आलम नासूत है, इस आलम नासूत में इन आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं थे, आप तो आलम मलकूत में थे और वहां पर अल्लाह ताला ये सलाहियत हर इंसान को अता फरमाएंगे, हर जन्नती को अता फरमाएंगे कि वहां पर अल्लाह का दीदार वो कर सकेगा और इन्हीं आंखों से कर सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार हुआ और फिर उस अल्लाह के दीदार और मुलाकात का जो जिक्र है वो अत्तहियात के अंदर मौजूद है, जो हम अत्तहियात नमाज के अंदर पढ़ते हैं उसमें वो सारी चीज मौजूद है कि जो अल्लाह ताला से आपकी हम कलामी हुई, और वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद रखा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अपनी उम्मत को वहां भी याद रखा, और फिर वहां से आपको 50 नमाजों का तोहफा दिया गया। वो 50 नमाजों का तोहफा लेकर आप वापस आए। यही वजह है कि नमाज इतनी अहम इबादत है कि दीगर जितने भी इस्लाम के फराइज और वाजिबात हैं, उन तमाम फराइज और वाजिबात को जो अल्लाह ने फर्ज किया या वाजिब किया, अल्लाह ने वो सारे अहकामात जमीन पर भेजे, लेकिन नमाज ऐसी महत्तम बिशान इबादत है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया और वहां बुलाकर ये नमाज का तोहफा किसके लिए दिया, उम्मत के लिए दिया। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो मेराज है वो नमाज के अंदर है, यानी उम्मत अगर सर बुलंद होना चाहती है, मेराज हासिल करना चाहती है, उस मेराज के हासिल करने का तरीका यही है कि वो नमाज की पाबंद हो जाए, क्योंकि ये नमाज मोमिन के लिए तोहफा भी है और ये नमाज दीन का सुतून भी है और ये नमाज इस्लाम और कुफर के दरमियान एक इम्तियाज पैदा करने वाली चीज है। और यहां तक आपने फरमाया कि जिसने जानकर नमाज को तर्क कर दिया, फरमाया कि वो काफिर हो गया, यानी उसने काफिरों वाला काम किया। तो ये नमाज दीन का इतना अहम फरीजा है। तो ये 50 नमाजों का तोहफा लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, पूछा कि जी क्या तोहफा मिला, क्योंकि जब किसी बड़े से मुलाकात होती है, किसी बादशाह के दरबार में आदमी जाता है, तो ये दुनिया के दरबारों का भी उसूल है कि आने वाले मेहमान को तोहफे दिए जाते हैं, तहाइफ दिए जाते हैं, और फिर वो बादशाह अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है, जिसकी जो हैसियत होती है, फिर आने वाले मेहमान को देखा जाता है कि आने वाला मेहमान कौन है, उसकी हैसियत और उस बादशाह की हैसियत के मुताबिक तोहफा दिया जाता है। तो जाहिर है कि अल्लाह तो बादशाहों का भी बादशाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुअज्जिज़ और मोहतरम मेहमान कौन हो सकता था, इसलिए सबसे कीमती तोहफा दिया गया और वो कीमती तोहफा 50 नमाजों की शक्ल में दिया गया। आप वो 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस हुए तो मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, पूछा कि क्या तोहफा मिला, कहा जी 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि आप अल्लाह के दरबार में जाकर तख़फीफ की कमी की दरख्वास्त पेश कीजिए कि इन नमाजों के अंदर कमी की जाए, आपकी उम्मत ये 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए और फिर वाकयात में आता है कि 5 नमाजें कम की गई, फिर कहा, फिर दोबारा गए, 5 नमाजें कम की गई,
इस तरह 9 मरतबा जाने के बाद 45 नमाजें कम की गई और जब 5 नमाजें रह गई तो मूसा अलैहि सलाम ने फिर अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप इसमें भी तख़फीफ की दरख्वास्त कीजिए कि मेरी उम्मत के जिम्मे 3 नमाजें थी, मेरी उम्मत 3 नमाजें नहीं पढ़ती थी, तो आपकी उम्मत की 5 नमाजें कैसे पढ़ेगी, इसमें भी तख़फीफ की दरख्वास्त कीजिए। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हया आती है कि बार बार जाकर मैं दरख्वास्त करूं, इसमें और कमी कर दीजिए, और कमी कर दीजिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ज़ाब्ता है, उसूल है कि नमाजों की तादाद को तो कम किया कि 50 नमाजों से 45 कम करके 5 नमाजें कर दी गई, लेकिन फरमाया कि हमारे महबूब सवाब को कम नहीं किया गया। सवाब 50 नमाजों का मिलेगा, हर नमाज का सवाब 10 नमाजों के बराबर है और 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर है। तो ये वो मेराजी तोहफा है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से, अपनी मेराज से उम्मत की मेराज लेकर आए। और जाहिर है कि जब हमने इस मेराज को छोड़ दिया तो हम आज जिल्लत और पस्ती का शिकार हो गए। आज भी अगर हम उरूज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो हमारी तरक्की का जो राज है वो इस नमाज के अंदर पिन्हा है कि हम इस नमाज के पाबंद बन जाएं, फिर उसके बाद देखें कि अल्लाह ताला कैसा उरूज अता फरमाता है और कैसी तरक्की अता फरमाता है। और फिर नमाज भी वो नमाज कि जैसी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज टकरे मारने वाली होती है, वो नमाज टरखाने वाली होती है कि किसी और दुनिया जहां के हम काम करते हैं किसी में इतनी उजलत नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती। उजलत और जल्दबाजी अगर होती है तो वो नमाज के अंदर होती है। और हर आदमी को ये फिक्र है कि बस जल्दी से नमाज पढ़ो, जल्दी से रुकू सजदे करो और जल्दी से मस्जिद से निकल के बाहर भागो। अरे भाई, जब तक मस्जिद के अंदर मौजूद है, मुसल्ले पर खड़ा है, अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह की नजर रहमत तुझ पे पड़ रही है, उसकी नजर अता तुझ पर पड़ रही है, किस बात की जल्दी है? किस तरह से नमाज को पढ़ना, टकरे मारना कि बाज औकात उस नमाज के अंदर तादील अरकान मौजूद नहीं होता और जब नमाज में एतदाल नहीं होता, तादील नहीं होती, वो नमाज सिरे से वाक़े नहीं होती। यानी तादील अरकान बाज फुकहा ने लिखा कि फर्ज है और अक्सर ने कहा कि वाजिब है कि हर रुकन को इत्मीनान के साथ अदा करना कि जब क़याम से रुकू में गया तो सही तरह से रुकू को अदा करना, यानी रुकू की हैयत में पूरे तरीके से जाना और फिर रुकू से सीधे खड़े होना, हर रुकन के अंदर अदल को कायम करना, ये तादील है, अदल के साथ नमाज पढ़ना। फिर खड़े होने के बाद जब सीधा खड़ा हो जाए उसके बाद सजदे के अंदर जाना, ये नहीं कि रुकू से सर उठाया और सजदे में चले गए और एक सजदे से सर उठाया तो दूसरे सजदे में चले गए। अभी सही माना में जलसे की हालत में अभी तक आए नहीं थे कि दूसरे सजदे के अंदर चले गए। तो जब नमाज के अंदर तादील नहीं होगी, अदल कायम नहीं होगा और एक आदमी फर्ज या वाजिब का तारिक होगा, फिर उसकी नमाज कैसे सही होगी? यही वजह है कि आज हमारी नमाज के अंदर वो नूरानियत नहीं है, वो रूहानियत नहीं है। ये तो शुक्र है कि वो नमाजें फराइज जो है हमारे, हम जो फराइज इमाम के पीछे पढ़ लेते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो इमाम की वजह से, उस इमाम की बरकत से वो हमारे फराइज सही हो जाते हैं। वरना सुनन और वाजिबात का, मुस्तहिबात का, नवाफिल का हम क्या हाल कर रहे हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि हम अपनी नमाज को किस तरीके से अदा कर रहे हैं। इसे भाई नमाज को बना संवार के पढ़ना चाहिए और पूरे उसके एतदाल के साथ अदा करना चाहिए। एक सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने कहा कि नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर वापस आ गए। आपने फिर कहा कि नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो तीसरी मरतबा गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर आए। आपने फिर यही बात कही कि नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि वो तो नमाज पढ़ रहे थे। अब उन्होंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसी नमाज पढ़ूं?
तो आपने फरमाया कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ते हुए तुम मुझे देखते हो, ऐसी नमाज पढ़ो। तो मालूम यह हुआ कि ऐसी नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मशाबे हो, वो नमाज तो नमाज कहलाए जाने के काबिल है, बाकी उसके अलावा जो नमाज है जल्दबाजी में उजलत में टकरे मारने वाली नमाज, फिर वो नमाज कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसमें नमाज की सूरत तो है लेकिन नमाज की हकीकत उसके अंदर मौजूद नहीं है, नमाज का वो जिस्म तो है लेकिन नमाज की रूह उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये मेराजी तोहफा है। सबसे बड़ा जो तोहफा हमें मिलता है मेराज का, वो नमाज की सूरत में मिलता है। और ये रजब का महीना जब आता है और ये वाकया मेराज जब हमें याद आता है, तो इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज से तोहफा हमारे लिए लाए थे, हमने उस तोहफे का क्या किया, हमने उस तोहफे की क्या कदर की, इस नमाज को किस तरीके से पढ़ते हैं और नमाज को किस तरीके से अदा करते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शबे मेराज के नाम पर बहुत सी खुराफात को जमा कर लिया गया। मसलन शबे मेराज में शब बेदारी का एहतमाम करना, अरे भाई कहीं से भी ये साबित नहीं है कि शबे मेराज के अंदर इस रात में कोई शब बेदारी का एहतमाम किया जाए, या इस रात के अंदर कोई खास किस्म के नवाफिल पढ़े जाएं, या कोई सलातो तस्बीह की जमात की जाए, कहीं से ये बात साबित नहीं। इसी तरीके से इसके दिन के अंदर बहुत से लोग रोजा रखते हैं, तो याद रखिए कि शबे मेराज के दिन में रोजे का रखना ये शरीयत के अंदर कहीं नहीं आया, ये एक रस्म है जो चल पड़ी है, और जो काम रस्म के ताबे होकर किया जाए फिर उसमें अजर सवाब नहीं मिलता। हाँ कोई ऐसा शख्स है कि जो अय्याम 20 के रोजे रख रहा है, या वो पीर और जुमेरात का रोजा रखता है जो सुन्नत है, और इस दरमियान में अगर कोई शबे मेराज आ जाती है और वो दिन में रोजा रखता है तो रख सकता है, लेकिन कोई खास इस दिन की फजीलत समझ के रोजा रखे या इस रात की फजीलत समझ के शब बेदारी करे, तो उलमा ने लिखा है कि वही एक रात फजीलत वाली थी कि जिस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ हासिल हुआ, बस वही एक रात शर्फ वाली थी, उसके अलावा और रातें नहीं है कि हमेशा उस रात को याद किया जाए या उस रात में शब बेदारी का एहतमाम किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में हजरत उमर रजी अल्लाह उनको यह मालूम हुआ कि बाज लोग इस शबे मेराज के दिन में रोजा रखते हैं, यानी 27 रजब का रोजा रखते हैं, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि भाई तुमने रोजा रखा है? जी रखा है। क्यों रखा है? जी 27 रजब की वजह से रखा है। आपने उनके रोजे को तुड़वाया। किस लिए तुड़वाया? ताकि दीन के अंदर कोई नई रस्म जारी ना हो जाए, क्योंकि दीन नाम अपनी तबीयत के शौक को पूरा करने का नहीं है, दीन नाम इत्तेबाए शरीयत का है कि जिस वक्त शरीयत का जो हुक्म हो उस वक्त शरीयत के उस हुक्म को बजा लाना, ये हमारा दीन है, ये हमारी शरीयत की तालीम है। तबीयत तो इंसान की बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अपनी तबीयत को शरीयत के ताबे कर देना चाहिए, जब भी इंसान के लिए आफियत है, और इसी के अंदर कामयाबी है कि अपनी अकल को अपनी तबीयत को अकल के ताबे कर दे और अकल को शरीयत के ताबे कर दे, बस इसी में इंसान के लिए आफियत है। तो इस शबे मेराज की रात में जागने की कोई फजीलत नहीं, इसी तरह इसके दिन के रोजा रखने की कोई अहमियत नहीं, इन खुराफात के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। बाकी बहुत से वाकयात हैं कि जो वाकयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि जिसमें हमारे लिए नसीहत और इबरत मौजूद है। मसलन आपने ये देखा कि बाज लोग ऐसे हैं कि जिनके सरों को पत्थर से कुचला जा रहा है, पत्थर से सर कुचला जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर कुचला जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, और इसी अजाब के अंदर वो मुब्तला है। आपने पूछा कि जिब्राइल ये क्या माजरा है? बताया गया कि ये बेनमाजी है, ये बेनमाजी है, इस अजाब के अंदर ये मुब्तला है, आपकी उम्मत के बेनमाजी को ये अजाब दिया जा रहा है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, बरहना है, और उनके पास पाकीजा और साफ सुथरा गोश्त मौजूद है और सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त भी मौजूद है,
لیکن وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں جو حلال اور پاکیزہ اسے نہیں کھا رہے. آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ مرد اور عورتیں کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں موجود تھیں، پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ حرام جگہ جا کر اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، یعنی حلال کو چھوڑتے تھے، حرام جگہ پر جا کر خواہش کو پورا کرتے تھے. اور فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود تھے، لیکن یہ حرام جگہ جا کر اپنی خواہش کو پورا کرتی تھی. آج اس عذاب کے اندر یہ گرفتار ہے، اس عذاب کے اندر یہ مبتلا ہے. اسی طرح آپ نے ایک خوبصورت پرندے کو دیکھا کہ جس کے پروں کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پرندہ جو ہے وہ نجاست کو کھا رہا ہے. اتنا خوبصورت پرندہ کہ جس کے پروں پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے لیکن وہ نجاست کو کھا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے ماجرا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی امت کا بد عمل حافظ ہے، کہ حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت رکھی، قرآن کا نور رکھا، آٹھوں جنتیں اللہ نے اس کے سینے میں رکھی، لیکن اتنی بڑی نعمت کے باوجود اس نے یہ کیا کہ اس قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اس قرآن کے تابع زندگی کو نہ گزارا بلکہ اس قرآن کے خلاف زندگی کو گزارا، آج بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہے. اسی طرح سے زکات دینے والوں نہ دینے والوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ زکات نہ دینے والے جو مال کو جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے ہیں کہ جیسے کسی کمرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کو جمع کرتے تھے لیکن اس کی زکات ادا نہیں کرتے تھے، اس عذاب کے اندر یہ مبتلا ہے. اسی طرح ایک دسترخوان پر آپ نے دیکھا، ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس پر پاکیزہ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس پر نجس اور ناپاک چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ پاکیزہ چیزیں نہیں کھا رہے، وہ نجس اور ناپاک چیزوں کو کھا رہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے، آج اس عذاب کے اندر یہ مبتلا ہے. تو یہ سارے وہ واقعات ہیں. بہت سی خواتین کو آپ نے دیکھا کہ جنہیں پستانوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکایا گیا، جہنم کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بے حیائی کرتی تھیں، بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی تھی، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. وہ سارے عذاب کی کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا. کس لیے بیان کیا؟ کسی کہانی اور واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو اور وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ان برائیوں کے اندر، ان خرابیوں کے اندر کہیں میں مبتلا تو نہیں ہوں. عجیب عجیب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ناخون ہیں بہت لمبے لمبے ہیں اور وہ ناخون تانبے کے لمبے کی طرح لمبے لمبے ناخون ہیں، اور اس سے اپنے چہرے کا گوشت وہ نوچتے ہیں، گوشت نوچ لیتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پھر وہ نوچتے ہیں پھر وہ آ جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہے، جس کو دیکھو دوسرے کی برائی کرنے کے اندر لگا ہوا ہے لیکن اس کے انجام کو نہیں سوچتے کہ اس کا آخر انجام کیا ہوگا. اس لیے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس شب معراج آئی اور راتوں کو جاگ لیے، دن کو روزہ رکھ لیا اور سوچا کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا. نہیں، اس رات کی وہی رات فضیلت والی تھی کہ جس رات آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا، باقی اور راتوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں. کوئی اس رات میں مخصوص عبادت نہیں، کوئی شب بیداری کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اصل چیز تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ کر زندگی کو گزارے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جمعرات کو اس ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ ووٹ جو ہمیں ووٹ دینے کا جو حق ہے نا، اس کو حق رائے دہی کہتے ہیں. تو یہ ہر انسان کو جو بالغ ہے، 18 سال سے زائد اس کی عمر ہے،
उसे वोट देने का हक हासिल है। अब ये वोट क्या चीज है, किसको देना चाहिए? ये वोट एक अमानत है और वोट एक मुकद्दस अमानत है। ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी के पीछे ऐसे ही लुटा दिया जाए। इस वोट के हक को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इसे जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि इस अमानत को किसको दिया जाए। ये अमानत हमारे पास है ना, और ये अमानत है, ये शहादत भी है, और जिसको हम वोट दे रहे हैं गोया कि उसको अपना वकील भी बना रहे हैं। तो भाई आदमी जब कोई, अल्लाह ना करे कोई मुकदमा हो जाता है, किसी को वकील बनाता है तो बड़ा सोच समझ के बनाता है कि ये मेरे काम भी आएगा या नहीं आएगा, इस काबिल है कि इसको वकील बनाया जाए या ना बनाया जाए। और हम अगर किसी को वोट डाल रहे हैं तो ये वोट डालना हमारी तरफ से उसके लिए शहादत है। किस बात की शहादत है? इस बात की शहादत है कि ये इस बात का अहल है कि जो अमानत हमारे पास है हम ये अमानत इसको दे दें, इस बात का ये अहल है। तो फिर ये देखना चाहिए कि उसको हम एक अमानत जो दे रहे हैं और उसकी शहादत हम उसको दे रहे हैं तो क्या उस शहादत का वो अहल है या नहीं है। तो ये ऐसी एक ऐसा अमल है कि जो अपनी जातियात से बुलंद होकर, बिरादरियों से बुलंद होकर, रिश्तेदारियों से बुलंद होकर, दोस्ती और ताल्लुकात से बुलंद होकर इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 75 साल से इस मुल्क में यही हो रहा है कि लोग वोट लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उन वादों की पासदारी नजर आती है? अगर उन वादों की पासदारी नजर आती और वोट लेने वाले उस वोट का एहतराम करते, आज लोग नारे तो लगाते हैं ना वोट को इज्जत दो, नारे तो लगाते हैं, ये भी नारे लगते हैं कि हम रियासत मदीना बना देंगे। कभी सोचा कि रियासत मदीना किस तरह बनी थी कि उस मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करके उसकी तौहीन करते हैं कि वो रियासत मदीना किस तरह से बनी थी और उसका बनाने वाला कौन था? क्या कायनात में कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि उस रियासत मदीना को बनाने वाले रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? क्या कायनात में कोई ऐसा शख्स हो सकता है? लेकिन मेरे दावे ही दावे और झूठे दावे और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अगर उन वादों पर अमल किया जाता तो आज मुल्क की ये तकदीर ना होती, आज अवाम की ये हालत ना होती कि आज गुर्बत में, बेरोजगारी में आज अवाम पिस रही है। महंगाई का अजाब है, गिरानी का अजाब है कि जो अवाम के ऊपर मुसल्लत है। ये वोट लेने के लिए आते हैं, वादे करते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो पहली चीज तो ये देखनी चाहिए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसके अंदर अल्लाह का दीन मौजूद है या नहीं है। अरे भाई, अल्लाह का दीन एक ऐसी चीज है ना कि जो इंसान को अच्छाई की तरफ, अच्छाई के लिए आमादा करता है, जो बुराई से उसको रोकता है। और ये भी देखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम के लिए ये शख्स कुछ काम कर सकता है, इस्लाम के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। आज सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी निजाम का निफाज है कि जो मुल्क कलिमे के नाम पर वजूद में आया था और इसीलिए वजूद में आया था कि यहां पर अल्लाह और उसके रसूल का कानून होगा। इसलिए कहा जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का कानून क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत लाई हुई है वो इस मुल्क के अंदर नाफिज होगी। लेकिन क्या किसी ने कोशिश की? ये तो आप उनको दाद दीजिए कि जो बानियाने पाकिस्तान में से थे और वो उलमा की एक जमात थी, उलमाए देवबंद की एक जमात थी कि जिन्होंने इस्लाम, इस आईन के इस्लामी बनाने के अंदर पूरी मेहनत की और हर तरीके से मेहनत करके इस आईन के अंदर इस्लामी शिकें डलवाई कि जिसको आज कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता। वरना आज पूरा जोर इस बात के ऊपर है कि किसी तरह तौहीन रिसालत की जो सजा है उसे खत्म कर दिया जाए। आप देख लें तौहीन सहाबा का जो बिल है, पिछली हुकूमत के अंदर एक हुकूमत गई, दूसरी आई, दूसरी भी चली गई, लेकिन तौहीन सहाबा का जो बिल है और उस पर जो सजा है वो असेंबली से पास नहीं होने दिया गया, उसे लटका दिया गया। तो ये कौन लोग हैं? किस, क्या इनका ईमान है, क्या इनका दीन है कि सहाबा की तौहीन को कौन बर्दाश्त कर सकता है और नबी की नामूस पर कोई आंच आने दे सकता है?
लेकिन ये अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए इन चीजों को लटका देते हैं। इनके नजदीक मामूली बातें होती हैं। तो देखना चाहिए कि हम अपनी अमानत किसके सपुर्द करें, क्योंकि हम उसके लिए शहादत दे रहे हैं कि आया इस मुल्क के अंदर इस्लाम के लिए वो कुछ काम करेगा, दीन के लिए कुछ करेगा। फिर ऐसे शख्स को अपनी ये अमानत देनी चाहिए, अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई जिस तक हमारी रसाई तो हो, ये नहीं कि वोट लेकर चला जाए, पांच साल उसकी शक्ल भी नजर ना आए, फिर जब अगले इलेक्शन का जमाना आए तो फिर ताजियतें शुरू हो जाएं कि दो साल पहले कोई मरा, तीन साल पहले मरा और अब ताजियतें शुरू हो गई। यानी दो तीन साल तक तो ताजियत याद ही नहीं आई कि कौन कहां मरा था, अब बाद में जो है वो किसी का कुत्ता भी मरा उसकी भी ताजियत हो रही है, किसी की बकरी का बच्चा मरा उसकी भी ताजियत हो रही है, तो पहले तो इंसानों की भी नहीं हो रही थी। तो इसे सोच समझ कर इस हक को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जो अमानत तुम्हारे पास है अल्लाह हुक्म देता है कि उस अमानत को उसके अहल के पास पहुंचा दो। अब हर आदमी फैसला करे इस अमानत का अहल कौन है, उसे ये अमानत सपुर्द कर दी जाए, उसे ये अमानत सौंपी जाए। और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क के हक में, इस इलेक्शन में खैर के फैसले फरमा दे। जिस किस्म के हालात नजर आते हैं कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से बदतर होती है, बेहतर नहीं आती, उससे बदतर आती है। और ये हमारी शामत आमाल है कि हम ऐसे लोगों को वोट देकर मुंतखब करते हैं जो बद किरदार होते हैं, बदनीयत होते हैं, जिनके अंदर अपनी जाती मफाद और जाती अगराज जिनके अंदर गालिब होती हैं, जिनके अंदर कौमी मफाद गालिब नहीं होता। आज दुनिया की दूसरी कौमें कहां चली गई, आज हिंदुस्तान हमसे क्यों आगे निकल गया कि उनके अंदर हमियत कौमी जो है ना, कौमी हमियत उनके अंदर आज भी मौजूद है। आज हमारी कौमी हमियत मर चुकी है कि आज हमारी असेंबली का मेंबर, हमारा वजीर, हमारा वजीर आजम वो अपना पेट भरना तो चाहता है, वो आवाम का भला नहीं चाहता। आज बिजली महंगी क्यों है, इन हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से। आज सुई गैस क्यों महंगा है, आज इंसान की जरूरत की अशिया क्यों महंगी है, इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से। आज हमारी करेंसी क्यों बेवकूफ है, आज हमारा पासपोर्ट क्यों बेवकूफ है, इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से जिन्हें हम अपना वोट देकर असेंबलियों के अंदर भेजते हैं। फिर ये जाकर क्या करते हैं, फिर ये मुल्क को नीचे की तरफ ले जाते हैं बजाय मुल्क को उठाने के। और हम तो इन्हें आगे इसलिए भेजते हैं कि ये मुल्क को ऊपर उठाएंगे, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा, लेकिन ये आपस में दस्तों गिरेबान होते हैं दिखलाने के लिए कि एक हकूमत में आया तो दूसरा उसको निकालने के दर पे तो होता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे भाई अगर ये आ गया है चलो मिलजुल के अब हुकूमत को आगे बढ़ाना चाहिए, मिलजुल के आगे तरक्की देनी चाहिए, फिर अगले पांच साल के बाद जब इलेक्शन होगा फिर देखी जाएगी। नहीं, पहले दिन से साजिशें बनना शुरू हो जाती है, किसी तरीके से इनको गिराया जाए, ये पांच साल हुकूमत ना चल सके, बस लड़ने लड़ने में पांच साल गुजर जाते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे पिछले दौर में भी हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और इस हक को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए कि कौन हमारी इस अमानत और शहादत का हकदार है और कौन इसके हक को अदा कर सकता है। बस ये सोच कर हर आदमी आकिल है, बालिग है, समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखता है, उसका मंशूर भी देखना चाहिए। पार्टियां मंशूर देती है ना, उस मंशूर में आखिर इस्लाम के लिए उन्होंने क्या रखा है, इस्लाम का भी कोई हिस्सा रखा है या नहीं रखा, या सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें रखी है। तो देखना चाहिए हर पार्टी के मंशूर को कि उस मंशूर के अंदर क्या चीजें मौजूद है, उसके बाद फैसला करना चाहिए। तो यही गुजारिश है कि अपने इस हक को जरूर इस्तेमाल कीजिए, इसे जाया ना कीजिए। ये ना सोचिए कि जी फिर मैं किसी को वोट ही नहीं देता। भाई सारे अगर बुरे हैं फिर देखो कि इसमें कम बुरा कौन है, कौन ज्यादा, किसके अंदर उम्मीद है आगे चल के कोई बेहतरी उसके अंदर आ सकती है। अपना हक के राय ही इस्तेमाल करें लेकिन उसे जाया ना करें। अल्लाह ताला इस मुल्क के हक में खैर के फैसले फरमाए और अच्छे लोगों का इंतखाब हो जो बद नीयत, बद किरदार और जिन पर जाती अगराज और मफादात रखने वाले, अल्लाह ऐसे लोगों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और ये मुल्क आगे चलकर तरक्की की शाहराह पे गामजन हो। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।